एलाहाबाद से भाजपा प्रत्याशी पवन बेनीवाल मल्लेगा गांव में उद्घाटन में पहुंचने वाले हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेजी न्यूज से। मैं हूं निशा, वीडियो जर्नलिस्ट रुस्तम सैनी के साथ। आइए जानते हैं कार्यालय में किस तरह की तैयारियां और लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है। कुमार बेनीवाल बीजेपी चौटाला परिवार और साथ में पवन बेनीवाल, इनके बारे में आप क्या कहोगे? चौटाले परिवार का यहाँ कोई नामो निशानी नहीं है, सब उठे हुए हैं उनसे सर। आज कार्यालय का उद्घाटन है, लेकिन देखो काम का समय है, लोग खेतों में भी गए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं, आस पड़ोस दुकानों में बैठे हैं। कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा, बाबा जी को बुलाया गुरु घर से, वो अरदास करके उद्घाटन करेंगे। और कार्यालय में का मतलब यही है कि गाँव के कोई भी लोग हैं यहाँ इकट्ठे हो पाएंगे एक जगह। मल्ले का गाँव से लगभग 2000 वोटों से जीत ले पाएंगे। समर्थक नहीं है जी, पीछे लोकसभा के चुनाव में एनएलओ को 600 वोट आए थे, पहले 2200 आया करते, इस बार 200-300 में से बट जाएगी। और कांग्रेस का भी यही हाल है, 200-300 में रह जाएंगे, कोई असर नहीं है उन नेताओं का यहाँ पे, सिर्फ पवन बेनीवाल। पवन बेनीवाल अपनी सेवा है जी, हरेक दे दुख सुख ते पहुँचते है जी, वह पवन बेनीवाल वह बहुत ज़्यादा मजबूत है जी। पवन बेनीवाल ऐतकी बहुत वड्डी लीड ते जितणगे जी। अपना इथे साल च एक बार आता है रैली का कह मैं बोलने दे रैली का कह बेचारा चौधरी देवी लाल देवता वर्ग का बंदा ओनू बेचारे 20 साल हो गए मरे ओदी आत्मा ओनू भी नहीं छोड़ देते उत्थे शांति नाल साल बाद लिया आ जा कटे लैके ओदी फोटो वे दे मुंह नूं सानूं वोट दे दिओ नीतियां ही अपना लेंदा दिन कितने आने से उन्हें लाइन च लगना पवेगा पवन को टिकट नहीं मिलती मेरी टिकट तो जेब च है तेन पुछने वाला है तू एक टिकट क्यों 90 दे 90 ले फिरते जड़े मंगता को 90 दे 90 दे रखे उन्होंने कोई फर्क नहीं रखा जिन्ना विकास करनाल च होया उन्ना विकास अपने एलावाद च है मैं टीवी ने कहा जवान जब्त करावे झूठ नहीं कही करा के दिखावे पर वास्ते अपन एक एक बंदे एक एक बंदा पवन बेनीवाल बन जाओ।